आपकी हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस पे डिपेंड कर रही होती है या प्रीवियस पे डिपेंड नहीं कर रही होती उसको आप ग्राफिकल एनालिसिस देख सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेंडम वर्क विद ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट होगी तो किस टाइप की उसकी शेप होगी मॉडल किस टाइप का होगा किस तरह हम उसको डील करेंगे तो आपने जिस वक्त सीरीज को ड्रॉ करना है तो उसका जो पैटर्न होगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सीरीज जो है ग्राफिकल परस्पेक्टिव से देर इज ड्रिफ्ट और देर इज नो ड्रिफ्ट सेकेंडली जिस वक्त हम उसको इकोनोमेटिक्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं यू हैव द इक्वेजन वाई टी वाई यू हैव द सीरीज ऑफ वाई वेर बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री एंड एरर टर्म एंड यू हैव द आइडिया अबाउट कॉन्स्टेंट यू हैव द आइडिया ऑफ टाइम ट्रेंड यू हैव द आइडिया ऑफ डिफरेंस वैल्यू यू हैव द आइडिया ऑफ लाइक योर एर टर्म आर स्टोकस्टिक प्रोसेस वो किस तरह आपका उसमें एरर टर्म मूव करता जा रहा है डिस्टर्बेंस टर्म किस तरह मूव कर रही है तो uh, अगर आपके पास दिस इज कम्प्रीहेंसिव मॉडल एंड इफ बीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो

वो एग्जिस्ट करता है उसमें रैंडम वॉक है और रैंडम वॉक की अगेन वही कंडीशन बीटा थ्री इज इक्वल टू वन इफ द वैल्यू ऑफ बीटा थ्री इज लेस देन वन देन द वैल्यू इज आर सीरीज इज स्टेशनरी अगर उसकी वैल्यू वन है इट मीन्स देर इज अट एंड यूनिट रूट द सीरीज इज नॉन स्टेशनरी और जब सीरीज नॉन स्टेशनरी होगी तो उसको हमने किस तरह स्टेशनरी बनाना है देर इज अ वेरी मच सिंपल प्रोसीजर बट बिफोर मूविंग टुवर्ड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द नॉन स्टेशनरी सीरीज इनटू स्टेशनरी या यूनिट टूट को कैसे हमने सीरीज में से रिमूव करना है ताकि वो हमारे पास एक रैंडम नंबर्स और एक एफिशिएंट सीरीज बन जाए उसके लिए जिस वक़्त हमारे पास बीटा वन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बीटा टू इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा थ्री इज वल टू वन आएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेजन आएगी दिस इज वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू इज एवरीथिंग इज जीरोन वाई थ्री आपका जो बीटा थ्री है इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन तो जब वन आएगी तो उसका मतलब है योर सीरीज इज नॉन स्टेशनरी अगर वहीं के अगर आपके पास उसकी वैल्यू लेस देन वन आती है सीरीज इज स्टेशनरी अगर वैल्यू इक्वल टू वन आती है देर इज यूनिट रूट एंड कंसिडर डैट सीरीज इज नॉन स्टेशनरी उसको स्टेशनरी में कन्वर्ट करना होगा कौन सा प्रोसीजर होगा uh, किस तरह हम उसको एफिशेंटली काट सकते हैं in presence of constant or without uh, like your constant there are uh, two sorts of uh, your random work sometimes there is constant and sometimes there is no constant